कांग्रेस नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में हर समाज के वोटरों को साधने में जुटी है। इसी के तहत कांग्रेस ने कपकोट के पूर्व विधायक को वोट मांगने के लिए मैदान में उतारा। वार्ड नंबर एक से कांग्रेस के कपकोट से पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेसियों ने घर घर जाकर पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस की 5 गारंटी के पर्चे बांटते हुए लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व विधायक ने भाजपा के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए अब की बार भाजपा की 400 पार हार का नारा दिया है। जनता त्रस्त हो चुकी है, अब की बार भाजपा की किसी प्रकार की लोभ लालच जनता नहीं मानेगी। हर चीज महंगाई से त्रस्त है जनता, वादे करते हैं, अफवाहों का वादा करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। इतने बार घोषणाएं क्षेत्र करी, वो सड़क बनेगी, ये सड़क बनेगी, लेकिन कोई काम नहीं पूरा है। ये क्षेत्र पूरा लाल कुआ विधानसभा में कोई काम नहीं, अपनी लोकसभा सीट में पूरा निधि नहीं कट पाए। अब के ये पूरी कांग्रेस की लहर चल रही है, 5 सीट पर कांग्रेस विजयी हो। आज तक सांसद जी ने ना पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाया, ना इस भारत की सरकार में इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने देने की जनता के बीच कोशिश करी कि भैया सड़क क्यों नहीं बन पा रही, किन कारणों से सड़क खींची है, इस बात की जानकारी जनता के बीच में उन्होंने देनी चाहिए। और आज तो हम चाहते हैं कि भैया जो कांग्रेस 5 रोजगार गारंटी आपके बीच में लेके आई है, 1,00,000 रुपये प्रति महिला को, हर परिवार की महिला को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग की व्यक्ति है, गरीब महिला को देने की बात कर रही है, युवाओं को जो अप्रेंटिस के तौर पर जो 1,00,000 रुपये देने की बात कर रही है, बहुत बड़ी रोजगार गारंटी हमको मिली है कांग्रेस की तरफ से। 400 रुपये मनरेगा मजदूरी के तौर पर, पहले 200 रुपये मिलती थी, कांग्रेस ही सरकार बनेगी तो 400 रुपये हम लोग मजदूर देंगे। कर्ज माफी के तौर पर भी सरकार हमको आश्वस्त करने की बात कर रही है कांग्रेस जब आएगी। और उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे विकास के मॉडल को जो है अपने घोषणा पत्र में स्थापित कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखी है। और हम चाहते हैं कि जनता हमारे इस घोषणा पत्र में विश्वास करके आगामी 19 तारीख को प्रकाश जोशी की और नए उत्तराखंड के हमारे 5 संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसे हम विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।